तुम गलत हो एम्बर, तुम हमेशा बहस करती हो। इसके अलावा और बचा ही क्या है, समझ गई, अब कोई सेलिब्रेशन नहीं होगी। और मैं आ गया, मुझे यकीन है तुम मुझे देखने के लिए बेताब होगे। कितना कमाल का आदमी है, मेरे गुस्सेल हस्बैंड से बिल्कुल अलग। बस अभी जिम में आया हूँ, जरा देखो मेरे बाइसेप्स, वो क्या मसल्स हैं, मेरे पास भी है देखो ऐसे, और एक छोटा सा पेट, बहुत अजीब है पर मेरे भी मसल्स हैं। बस बहुत हुआ, अब तुम नहीं बचोगे। पॉप्स, डैडी, तुम इस फैमिली के लायक नहीं हो, बाय। रुको, अब से मैं तुम्हारा ख्याल रखूंगा, बहुत एक्साइटिंग है, अब वो कभी नहीं आएगा। मैं इसके खिलाफ हूँ, आई लव डैडी बेट। 5 साल बाद, मॉमी चलो पढ़ते हैं, बाद में करते हैं। मैं क्लाउड को मसाज दे रही हूँ, क्या आप सिर्फ उन्हें प्यार करती हैं? हाँ बिल्कुल, मैं इनका नया हस्बैंड हूँ। लगता है कोई आया है, कौन आया है, जाओ जाकर देखो। ओह ओह, मेरे चेस्ट में दर्द हो रहा है, मैं जाती हूँ। हैंडसम है पर आलसी है, मैंने तुम्हें बहुत याद किया, एक प्रेजेंट इतना बड़ा, तो क्या हम सुलह कर सकते हैं, क्या ये तुम हो, यहाँ से दफा हो जाओ। और अब स्केड्यूल के हिसाब से सोने का वक्त है, सच में सोना अच्छी बात है। मैं भीती को देखती हूँ, ओह तुम अंदर आ भी गए, तुम जाओ, चले जाओ, रूम से बाहर निकलो, पर मैं गिफ्ट के साथ आया हूँ, प्लीज मुझे आने दो। वेट, इतना गुस्सा मत करो वरना मैं भाप बन जाऊंगा। क्लाउड, निपटो इससे, अभी बताता हूँ। बेवकूफ वेट, क्या तुमने सुना एम्बर ने क्या कहा, मारो इसे। अह, देखा मैं उससे कैसे निपटा, वो पानी में बदल गया। हाँ डियर, वो मेरे डैडी के साथ बहुत बुरा करते हैं, मेरा एक परिवार हुआ करता था और अब। ओह, कौन है वहाँ, फिउ, मैंने कर दिखाया, स्वीटी सरप्राइज, डैडी जल्दी अंदर आओ। फिउ, मैं बस गिरने ही वाला था, मैं आपको देखकर बहुत खुश हूँ। रे, बस हश, मैं चुप रहूंगी, नहीं तो वो पौधे वाला मॉन्स्टर आ जाएगा और ये तुम्हारे डैड के लिए अच्छा नहीं होगा। आप जैसा कहें, वो माइन से मेरा गला घोट देगा। ओह, मुझे भूख लगी है, जरा रुको, ये लो न्यूट्रिएंट पाउडर पी लो। ठीक है, देखता हूँ, ये तो बहुत बुरा है। ठीक है, मैं कुछ और लाती हूँ, मेरे पास कुछ आइस क्यूब्स हैं। खैर, ये तुम्हें कैसे लगे, अच्छा लगा? नहीं, मेरे दांत जम रहे हैं, क्या मुसीबत है, क्या मैं तुम्हें पानी दूँ? जरूरत नहीं, मुझे कुछ नहीं चाहिए, शुक्रिया, ये कभी खुश नहीं होता है। पॉपकॉर्न बकेट, ओह वो भी क्या दिन थे, खत्म हो गए। वेट, बोलो हनी, प्लेट खाली हो गई, कोई बात नहीं, मेरा वाला ले लो स्वीट हार्ट। ये कौन सा फ्लेवर है, मुझे चीज वाला खाना पसंद नहीं है। ठीक है, बर्च चिप्स खाना चाहोगी? बर्च, पर मुझे कच्चा खाना पसंद नहीं है। कच्चा, इन्हें पकाने की जरूरत है, समझ गया, एम्बर का मूड आज ठीक नहीं है। ओह, बस जल्दी से इन वुड चिप्स को टोस्ट करते हैं, उसे ये जरूर पसंद आएगा। और चारकोल बॉल्स तैयार हैं, डार्लिंग लंच तैयार है, जैसे तुम्हें पसंद है। वाह, बहुत टेस्टी है, जैसा मुझे चाहिए था। एम्बर, 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 होश में आओ, तुम मुझे आज कुछ खिलाओगे या नहीं? जब मुझे भूख लगती है तो मुझे बहुत गुस्सा आता है। फूड कहा तुमने, अच्छा अब मैं तुम्हें कुछ अच्छा खिलाती हूँ। डियर, तुम खुश नहीं रहोगे, चलो देखते हैं पिछले साल का गमले का पानी, उसे पता चलेगा कि टेस्टलेस का क्या मतलब होता है। ये लो, इसे किसी खास मौके के लिए बचा कर रखा था, इतना टेस्टी, वाह, मैंने इसे स्वादिष्ट अपने लाइफ में कभी कुछ नहीं पिया, क्या मुझे और मिल सकता है? तुम्हें क्या हुआ है, मैं अच्छा महसूस कर रहा हूँ, मैं बदलने लगा हूँ, मदद करो, मेरे ऊपर से इसे हटाओ, कोई मदद करो, मुझे नहीं पता था ऐसा हो जाएगा। फिउ, कितना अजीब है, डार्लिंग ये एक सीक्रेट है, गिफ्ट खोलो। वाह, मैं इसे देखने का और इंतजार नहीं कर सकती। ठीक है, वाह कितना सुंदर ड्रैगन है, अब तक का सबसे बेस्ट टॉय है, शुक्रिया डैडी, मुझे खुशी है तुम्हें ये पसंद आया। बिल्कुल, ये मुझे पसंद है, मैं हमेशा से ऐसा कुछ चाहती थी, इसके साथ ध्यान से खेलना, अगर तुम इसके पेट को दबाओगी तो ये आग निकालेगा, ऐसा नहीं हो सकता। ठीक है,
वाह अच्छा है ना? ये बहुत शानदार है स्पार्क, इसके साथ ध्यान से खेलना। क्या ये ऐसे टॉयज के लिए अभी बहुत छोटी नहीं है? ध्यान से वायर ड्रैगन फायरी वॉरियर खेलो मेरी स्वीट हार्ट। कोई बात नहीं, ओप्स बहुत धुआं हो गया है। आउच, मेरे ऊपर से हट जाओ। फ्यू निकल गया। ओ, ये जिंदा है और ये मुझे खाना चाहता है। एम्बर बचाओ। ओ, डार्लिंग तुम इसे खुद ही संभालो, मैं इस प्लांट के बारे में कुछ नहीं जानती हूँ। पेस्की वीड, चलो भी तुम कर सकते हो। क्या तुमने ये देखा, मैंने इसे एक हाथ से हरा दिया। मेरे साथ उलझना भारी पड़ा। ये तुम्हारे लिए शुक्रिया, पर मुझे नहीं चाहिए। लगता है टेसा के रूम में कुछ गड़बड़ है। धुआं धुआं। टेसा मैं भी आता हूँ। बहुत ज्यादा धुआं है टेसा। उप्स, कब टूट गया है? तुम वेट, तुम यहाँ कैसे आए? क्या तुम हमारे घर को जलाना चाहते हो? चले जाओ यहाँ से। मैं डैडी उदास मत हो, तो फिर ठीक है। मॉम अगर ये जाएंगे तो मैं भी चली जाऊंगी। गुड बाय। स्पार्क रुको, नहीं नहीं रुको। ओह मुझे माफ कर दो। रुक जाओ यंग लेडी, तुम कहीं नहीं जाओगी। मैं जा रही हूँ। वीडियो मैसेज आया है, जरा स्टोर के बाहर इस लाइन को देखो। क्लॉड क्या तुम मेरी जगह काम पर जाओगे? काम? ओह मुझे चक्कर आ रहे हैं। तुम्हें पता है मैं बहुत नर्वस महसूस कर रहा हूँ, शायद मुझे बुखार आ गया है। ओह बुखार तुम्हें आ गया है? सब कुछ मुझे खुद ही करना होगा, हमेशा की तरह। कम से कम इन बदमाशों पर नजर रखना। मैं इनके साथ नहीं रहना चाहती। डैड कोई बात नहीं, मैं तुम्हारे साथ हूँ। और तुम यहाँ अभी तक क्या कर रहे हो? विंडो से जाएं। डैड शांत रहो, तुम्हें टूटे हुए कप का खामियाजा भुगतना होगा। हे भगवान, जल्दी तैयार होना होगा, क्लाइंट ज्यादा देर इंतजार नहीं करेंगे। जैकेट, ओ पर्स, बढ़िया, और चाबियां मत भूलना। उप्स, मैंने काफी वक्त से शीशे में नहीं देखा है, मेरे बाल कितने बिखरे हुए हैं। कोई बात नहीं, अभी ठीक करती हूँ। ऐसे कितनी पुरानी फोटो है, इसमें हम बहुत जवान हैं और प्यार में भी हैं। ये मेरा सपनों का घर है डार्लिंग, और ये है आरामदायक कॉर्नर। सारी पेंटिंग्स असली हैं। हम इसे लेंगे। खरीद लिया, ये रही चाबियाँ। हमारा पहला घर, हम दोनों का डार्लिंग। बधाई हो। वो भी क्या दिन थे, हम दोनों एक साथ बहुत मजे करते थे। पर क्या होगा अगर हम फिर से एक हो जाएं? बंद करो एम्बर, तुम्हें खुद को संभालना होगा। और अब काम पर जाने का वक्त हो गया है, चलो चलते हैं और कुछ पैसे कमाते हैं। अब मैं तुमसे निपटूंगा बेवकूफ कहीं के। आउच डैडी, ध्यान से, निकल जाओ हमारे घर से। आप मुझे गुस्सा दिला रहे हैं, आपको पता है गंदे से प्लांट। मम्मी आपके साथ खुश नहीं है, आप हमारे घर से निकल जाओ। देखो मुझे क्या मिला, स्पॉन्ज, ये नहीं, ओ नहीं, हाँ ये लो वेटेक्स। तुमने मिस कर दिया लूजर। कोई बात नहीं, मेरे पास बहुत सारे हैं, इनमें से कोई एक तो लगेगा। ओ, ये अच्छा नहीं है। टेसा छिप जाओ, ये लो, मैं अपने आप को बचाऊंगा। फिर से मिस कर दिया, चलो भी हार मान जाओ। वैसे भी तुम नहीं बचोगे, तुम्हारा निशाना बुरा है, तुम्हें क्लासेस की जरूरत है, मुझे डैड की मदद करनी होगी। हे श्रबेरी, तुमने क्या कहा किडो? ओह नहीं, मुझे स्पॉन्ज दो। ये लो, नहीं ये सही नहीं है, तुमने मुझे घेर लिया है। ऐसा मत करो, ईमानदारी से खेलो, यहाँ कोई रूल्स नहीं है, तुम्हें कब समझ आएगा। ओ, इस फैमिली को तुम्हारी जरूरत नहीं है। आखिरी वाला, क्या करूं? हाँ ड्रैगन अपना कमाल दिखाओ। टारगेट, स्पार्क तुमने मुझे बचा लिया, मेरे वफादार ड्रैगन का शुक्रिया करो। एक मिनट रुको, रुको स्पॉन्जेस खत्म हो गए हैं। ओ, क्या तुम उसके बिना कुछ नहीं कर सकते, बुरे प्लांट। स्वीटी डार्लिंग डैडी, चलो इस वीट को सबक सिखाते हैं। शॉप खुलने का वक्त हो गया है, हमें और कितनी देर इंतजार करना होगा? मुझे माफ कर दो, मैं जल्दी करती हूँ, मैं थोड़ी ही देर में सबको खिलाऊंगी। जल्दी करो, ठीक है एक मिनट रुको, शॉप खुल गई है। ठीक है मैं सबको जल्दी से सर्व करती हूँ। एक बॉल देना, नहीं दो कर दो, और मुझे मेरे सारे पैसों का चारकोल दे दो। प्लीज देर मत करो, मुझसे भूख बर्दाश्त नहीं हो रही है, यहाँ सभी के लिए काफी है। रुको मेरे क्रिस्प्स, इसे वापस करो, ये मेरे हैं। रुको यहाँ से कुछ उठाने की जरूरत नहीं है, पर हम खाना चाहते हैं। शांत हो जाओ, एक एक करके आओ, हमें खाना चाहिए। सब कहाँ चले गए? वो चले गए और सारे पैसे भी जल गए। नहीं खैर, मुझे सफाई करनी होगी, मुझे वो दिन याद है।
हमें खाना चाहिए। स्वीट हार्ट, मैं मदद करता हूँ। शुक्रिया डार्लिंग, चलो क्लाइंट्स को सर्व करते हैं। आपके 100 हुए और आपके भी। स्वादिष्ट है, फिर से आना। हम एक दूसरे की ताकत है। ये सब वेट के साथ कितना आसान था। वो बिना कोई गड़बड़ किए मेरा हाथ बटाता था और अब मैं बिल्कुल अकेली हो गई हूँ। इसका क्या करना है? चलो कुछ खतरनाक सोचते हैं, जैसे इनकी हड्डी पसली एक करते हैं। हाँ, ऐसे। प्लीज ब्रांचेस को कुछ मत करना, शांत हो जाओ। वो बस मजाक कर रही है, या शायद मैं नहीं कर रही हूँ। ओह, क्या तुम्हें भूख लगी है? ठीक है, चलो कुछ करते हैं। रुको, ओह मेरे पॉकेट्स तो खाली हैं। कुछ नहीं है, खाली है। खैर ठीक है, खोलो मुझे। मैं तुम लोगों के लिए जल्दी कुछ बना दूंगा, मैं खाना बनाने में माहिर हूँ। क्या हमें इन पर यकीन करना चाहिए? बिल्कुल नहीं। ये देखो मेरे पास कितने सारे चिप्स हैं। मुझे बस इन्हें पकाना है। सही कहा ना? वाह ठीक है, इन्हें बाहर निकालो। प्लांट्स को गुदगुदी पसंद नहीं है, ऐसे मत करो। करती रहो ऐसा, बहुत बढ़िया। ठीक है, इतना काफी है, अब खोलो मुझे। नहीं, सोचना भी मत, मैं खुद बना सकती हूँ। मेरी लड़की बड़ी हो गई है। ठीक है, हम बनाते हैं परफेक्ट रोल फुटबॉल। खा लो स्पार्की। पेट भर गया, मेरे पास अभी भी कुछ बचे हैं। खेलोगे डैड? हाँ बिल्कुल स्पार्क, तुम्हारे डैड कॉलेज में बेसबॉल स्टार थे, तो आप थ्रो करोगे और मैं मारूंगी। स्विंग, हिट। उप्स, मुझे स्विंग करने में और मेहनत करनी होगी। कोई बात नहीं, फिर से कोशिश करो। उप्स, फिर से मिस कर दिया। कोई बात नहीं स्वीट हार्ट, एक और शॉट मारो। फिर से मिस कर दिया। उप्स, कितनी देर लगेगी? ठीक है मैं तुम्हें दिखाता हूँ, अब तुम नहीं बचोगी। बची? ठीक है ठीक है, हम मजाक कर रहे थे, हम तो गए। तुमने मेरे अंदर के मॉन्स्टर को जगा दिया है और इसके लिए तुम पछताओगे। चलो भी एम्बर, आंसू बहाने का वक्त नहीं है। आखिर तुम एक माँ हो और तुम्हें काम करने की जरूरत है। ठीक है, ये यहाँ जाएगा और ये यहाँ। कूड़े को बाहर फेंकेंगे, मुझे टेबल को साफ करके चमकाना होगा। फिर से पुरानी यादें। वेट हनी, मैं तुम्हारे बिना क्या करूंगी? बहुत खुशी है कि हमें एक दूसरे का साथ मिला। ऐसा कुछ भी नहीं है। ठीक है चलो सफाई करते हैं। फर्श पर पड़े इस ट्रैश को देखो, इसे इसमें डालो, फेंको, कैच। ये लो, हाँ, तीन पॉइंटर। डिस्प्ले केस तैयार है। स्पार्क तुम सबसे बेस्ट हो। उप्स, हनी पकड़ो। चिंता मत करो, मैं हमेशा तुम्हें पकड़ लूंगा। सॉरी, वो भी क्या दिन थे। इतना काफी है, घर जाने का वक्त हो गया है। कितना मुश्किल दिन था और अब ये। हमारी मदद करो प्लीज। क्या, कैसे तुम ऐसा नहीं कर सकते? वो ठीक है, शांत हो जाओ स्वीट हार्ट, मेरे घर से निकल जाओ। मुझे एक और मौका दे दो, जाओ यहाँ से। मॉम दिखा दो इसे, अपना सामान लो ये सारा, और मुझे यहाँ कभी दिखाई मत देना। कितनी ड्रामेबाज है मेरी फैमिली। मैं तुम्हें खोलती हूँ, अब सब ठीक है। मुझे कोई प्यार नहीं करता है, अब किसे मेरी जरूरत होगी? जिंदगी बहुत बेरहम है। वो मेरे ख्याल से मुझे प्यार हो गया है। मुझे बारबी की कहानियाँ पढ़ना पसंद है। हे, मैं क्लाउड हूँ। क्लाउड कितना अच्छा नाम है, क्या हम दोस्त बन सकते हैं? जरूर। उप्स, क्लाउड तुम कितने लापरवाह हो, आओ मेरे साथ। हमने बारबी को मिस कर दिया, रायन गॉसलिंग वहाँ पर था। बस करो, ये क्या था? माफ करना, जो मैं सोच रही हूँ तुम भी वही सोच रहे हो। मिस्टर, क्या आप हमारे डैड बनेंगे? इन्हें पेरेंट्स चाहिए। प्लीज, हमारे पास पहले से ही एक हैमस्टर है। रुको, जरा इन प्यारे नन्हे बच्चों को देखो। मॉमी आई लव यू। ठीक है, इन्हें अंदर ले जाओ। अरे, हम आपको परेशान नहीं करेंगे, अब से ये तुम्हारा घर है। कितना अच्छा दिन है। ये कौन हो सकता है? अभी नहीं, मैं बिजी हूँ। उसने फोन काट दिया, अजीब है। मैं बहुत परेशान हूँ, चलो खुद ही ढूंढते हैं। ये अच्छा आइडिया है, चलो चलें, हम उन्हें जल्दी ही ढूंढ लेंगे। माइक, तुम रुक रहे हो? शायद तुम्हें रुकना चाहिए, मुझे नहीं लगता है। समझ गया, जो हारेगा वो बेबी के साथ रहेगा। ठीक है तो फिर मैं रहूँगा, अपना ख्याल रखना। उम्मीद है सब अच्छा होगा। तुम क्या कर रहे हो माइक? डैडी को मिस किया नन्हे शैतान? सही कहा, रोने की जरूरत नहीं है। तुम्हें घर कैसा लगा? वाह, बहुत सारी ग्रीनरी है। मेरी टमी, ये क्या था? क्या मुझे थोड़ा सा फ्रेश वाटर मिल सकता है? ठीक है, मैं अभी लेकर आई। क्या हम एलिमेंट्स की बैटल खेलें? मैं तैयार हूँ। ये एलिमेंट्स की बैटल क्या है? ओह नहीं, ध्यान से, मेरे फ्लावर्स। ये लो, हाँ और तेज।
रुको प्लीज, फनी पिक्चर्स। बदकिस्मती से मैं ब्लाइंड हूँ। हेलो, आपको परेशान करने के लिए माफ़ी चाहती हूँ। क्या आपने इन बच्चों को देखा है? मुझे काफी वक्त से कुछ दिखाई नहीं देता है। बहुत सारे लोग हैं। क्या आपने इन बच्चों को देखा है? नहीं, पहले कभी नहीं देखा है। माफ करना। नहीं, आपको परेशान करने के लिए माफ करना। चलो पोकेमोन को पकड़े। इन्हें आसमान खा गया या धरती निकल गई? ये क्या है? डिटेक्टिव एम्बर को एविडेंस मिला। चारकोल, ये सिर्फ फायर एलिमेंट्स का ही हो सकता है। लिली, मुझे लगता है मैं सही रास्ते पर हूँ। ये रहे पैरों के निशान। बच्चों, मॉमी आ रही हैं। अब सोने का वक्त है, आराम से। तुम्हें जगाना नहीं चाहता हूँ। ऐसे मैं भी सो जाता हूँ। अब क्या हुआ? नन्हे शैतान, मैं तुम्हें कैसे चुप कराऊं? और क्या करूं? जब तक कोशिश नहीं करेंगे तब तक पता नहीं चलेगा। लगता है ये काम कर गया। नहीं नहीं नहीं, तुम उड़ने के लिए अभी बहुत छोटे हो। क्रिप में वापस आ जाओ प्लीज। लाइटिंग कोई टॉय नहीं है। पकड़ लिया। डैडी के पास आ जाओ। पकड़ लिया। तुम्हें सजा मिलेगी। यहाँ आओ। रोको इसे प्लीज। मैं तुम्हें पकड़ लूंगी। रास्ते से हट जाओ। ध्यान से बचाओ, मैं जल रहा हूँ। मेरी लीव्स। डैडी, तुम जल रहे हो। ये लो वाटर। शुक्रिया मेरे बेटे। आग बुझ गई है और स्नैक्स आ गए हैं। क्या? चिल्लाना मत, ये मजेदार है। उप्स, माफ करना मॉम, हम ऐसा दोबारा नहीं करेंगे। मुझे बच्चों से प्यार है। हम इन्हें बाहर नहीं निकाल रहे हैं, है ना? क्या वो भी बच्चे हैं? और अब खा लो, शर्माओ मत। वाटर, ये तुम्हारे लिए है। रिफ्रेशिंग वाटर, जिसकी मेरी ग्रीनरी को जरूरत है। स्वादिष्ट। टेसा, कंट्रोल करो, तुम डाइट पर हो। क्या तुम्हारे पास वाटर के अलावा कुछ है? अगर तुम्हें नहीं चाहिए तो मुझे दे दो, मैं हमेशा प्यासा रहता हूँ। बढ़िया एबिलिटी है। क्या तुम मुझे भी थोड़ा भर दोगे? मुझे नहीं पता था ये ऐसा भी कर सकता है। ठीक है, मैं इसे पीऊंगी। कुछ ठीक नहीं लग रहा है। स्वादिष्ट है ना? हाँ, दिलचस्प लिक्विड है। बहुत बढ़िया है। इसमें ऐसा भी क्या है? चलो भी, तुम कर सकती हो। गंदा है, ये फटने वाली है। उप्स, माफ करना। वाटर पी नहीं सकती हो, बहुत हो गया। यहाँ से निकलो जल्दी। मॉम गुस्सा हो गई। और इस तरह क्यों चिल्ला रही हैं? इन्हें माफ कर दो मेरे लिए। यहाँ से दफा हो जाओ, भागो। बच्चों, तुम्हें यहाँ से जाना होगा। अपना सामान लेना मत भूलना। लगता है इस तरह, पर यहाँ तो तीन दरवाजे हैं। दोस्तों बताओ मुझे कहाँ जाना चाहिए, कमेंट में जवाब बताएं। चारकोल, बच्चे यही थे। आइस चिप्स, ब्रायन अभी भी रो रहा है, पर यहाँ वो चले गए। लगता है उन्होंने नई फैमिली ढूंढ ली है। गुड बाय, ख्याल रखना मॉमी। ओह मेरे स्वीटीज, बच्चों को ढूंढने के लिए शुक्रिया, तुम्हारा वेलकम। ये लेडी कौन है? अच्छा, ये तुम्हारे लिए नहीं है, वो बहुत सुंदर है। तुमने क्या कहा? फिर से कहना। क्लॉड, कहाँ खो गए? बच्चों गुड बाय बोलो। चलो चलें, डैड इंतजार कर रहे हैं। मेरा क्या, कहाँ जा रहे हो? तुम मुझे धक्का क्यों दे रही हो? तुम मुझे रोक नहीं सकती हो, समझी? वो कहाँ गया? अपनी स्वीट हार्ट के लिए भागो। ओह, उसे ब्राइड मिल गई। वाह, इम्प्रेसिव ट्रिक्स। डियर, मैं आ रहा हूँ। डैडी के पास आओ। ये क्या मुसीबत है? शायद इतना काफी है, अभी और मजेदार नहीं है। तुम आ गए। हाय डैडी, खुशी है तुम वापस आ गए। पकड़ लिया, पूरी फैमिली साथ में है। वेट, जल्दी से हमारे पास आओ। ग्रुप हग, मेरे प्यारे बच्चे। हमें माफ कर दो प्लीज। तुम क्या कह रहे हो? हमने माफ कर दिया। शुक्रिया, इसमें कुछ तो कमी है, हम ठीक कर देंगे। खैर, ये हुई ना बात। हाई फाइव। वो बहुत प्यारे हैं। लगता है हम थक गए हैं। हम भी, फिर चलो सो जाते हैं। चलो चले। रुको, माइक को भी नींद आ रही है। मेरा बच्चा, आराम से सो जाओ। हनी, मैं आ रही हूँ। गुड नाइट बच्चों, चलो लेट जाएं और जल्दी से सो जाते हैं। बस एक मिनट, पजामास नहीं भूल सकते हैं। मैं बहुत खुश हूँ कि हमारे बच्चे वापस आ गए। तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। स्वीट ड्रीम्स स्वीट हार्ट। अब इस वेट से छुटकारा पाते हैं।
आराम से सुना है, स्पॉन्ज और वॉटरी चीजें एक दूसरे के दुश्मन होते हैं। देखो ये अब्सॉर्ब कर रहा है, थोड़ा और यहाँ रब करें और यहाँ। तुम्हें पकड़ लिया लड़के। ओह एम्बर कितने अच्छे से सो रही है। वो कहाँ गया? उसे ढूंढना होगा। वेट, डैड बेड गायब है। वो यही थे, ऐसा लगता है वो गायब हो गए। बेड के नीचे देखते हैं, कोई नहीं है, ढूंढ लिया। ओ नहीं, ये तो मेरी परछाई है। डैडी बाहर आ जाए, छुपना बंद करिए, यहाँ कोई नहीं है। वो कहाँ चले गए? पकड़ लिया दोस्त। बेचारा बेड, वो फंस गया। अपने चेहरे को देखो, मजेदार है। अगर वो अकेला हुआ तो भूखा और ठंडा। मॉमी रोए मत, शायद डैड कुछ लेने बाहर गए हैं। ठीक है, शांत हो जाओ। एम्बर हिम्मत से काम लो, रोने से कुछ नहीं होगा। 911 पर कॉल करने का वक्त आ गया है, चलो भी फोन उठाओ। हेलो बिजी। खैर ठीक है, मैं अपने बेड को खुद ही ढूंढ लूंगी। मॉम हमारा क्या होगा? क्या तुम ग्रैंडमा के पास जाना चाहोगे? बिल्कुल। ठीक है तो फिर चलो चलते हैं। ये प्यारे सॉक्स बस बनने ही वाले हैं। मेरे ग्रैंड किड्स को ये पसंद आएंगे। उम्मीद है ग्रानी सो नहीं रही होंगी। नॉक नॉक, दाएं बाएं, क्या किसी ने नॉक किया? मैं जाकर देखती हूँ। ओह बुढ़ापा बिल्कुल अच्छा नहीं होता है। मेरी कमर, जब आप 99 से ऊपर हो जाओ तो हर दिन मुश्किल से बीतता है। ओह मैं आ रही हूँ। आखिरकार वो उठ गई। पता नहीं वो अपने ग्रैंड किड्स को पहचान पाएंगी भी या नहीं। ओह एक असली सफर। आधा घंटा हो गया है, चलो इंतजार करते हैं। एक पर्सन का एक छोटा कदम एक बूढ़ी औरत के लिए बड़ी छलांग के बराबर होता है। कहीं मत जाना, मैं आ रही हूँ। मैं थक गई हूँ, चलो नीचे बैठ जाते हैं। ग्रैंडमा ठीक तो है ना? हाँ जान, बस हमारे परिवार में कुछ टर्टल्स हैं। तुम इंतजार करो, मैं एक झपकी ले लेती हूँ। यहाँ कोई है? घोस्ट फिर से? ग्रैंडपा अगर ये आप हैं, तो मुझे कोई इशारा दीजिए। उठ जाओ मेरे बच्चों, मुझे अकेला छोड़ दो। तुम नीचे क्यों सो रहे हो? फ्लोर ठंडा है। ब्रायन बच्चे उठ जाओ। आ क्या हुआ? आ कौन है? क्या ब्रायन तुम जल रहे हो? आ मुझे लगा मैं गई काम से। नहीं इतनी जल्दी नहीं, डर गए? इन सब बातों को छोड़ो और अब ग्रैंडमा को हेलो कहो। मैंने तुम्हें काफी वक्त से नहीं देखा। ब्रायन तुम क्यों खड़े हो? मेरे गले लगो। गले लगने को छोड़िए। सही कहा, फायर और वाटर को मिलना नहीं चाहिए। मॉम आपको ये जानना चाहिए, वेट गायब है। क्या? ऐसा नहीं हो सकता, मैं उसे ढूंढने जा रही हूँ। आप बच्चों का ध्यान रखना। बिल्कुल, मैं अपने ग्रैंड चिल्ड्रन का अच्छे से ध्यान रखूंगी। किड्स जल्दी से अंदर चलो। शुक्रिया मॉम। उसे ढूंढो। गुड बाय। मैं कहाँ से शुरू करूँ? क्या मैं थोड़ी स्वीट्स ले सकता हूँ? मुझे भी चाहिए बहुत सारे। ग्रैंडमा ने तुम दोनों के लिए सरप्राइजेस तैयार किए हैं। ओह वाओ ये भारी है, जल्दी करो इन्हें खोलो। वाओ बहुत बहुत शुक्रिया, ये कितने बड़े हो गए हैं। एम्बर तुम ये कर सकती हो। नॉक नॉक, कोई घर पर है? गुड डे, क्या तुमने वाटर एलिमेंट को कहीं देखा है? मुझे देखने दो। सुनो चेहरा जाना पहचाना लगता है, शायद मैंने इसे रास्ते में देखा था। ओह नहीं वो मेरा सपना था। गुड बाय, ये वक्त रोने का नहीं है। फायर एलिमेंट हार नहीं मानेगी। नॉक नॉक, क्या मुझे आपका थोड़ा सा वक्त मिल सकता है? अंदर कोई है? तुम्हें यहाँ कोई नहीं ढूंढ पाएगा। डैडी वेडी, बस कुछ ड्रॉप्स और तुम्हारा खेल खत्म। ये कौन हो सकता है? कहीं मत जाना, मैं अभी वापस आता हूँ। लकी है, बेचारा वेड ड्रेन में बस धुलने ही वाला था। बिन बुलाया मेहमान, इस वक्त कौन आता है? शांति ठीक है, मैं आगे बढ़ती हूँ। मुझे अपनी आंखों पर यकीन नहीं होता, ये तो मेरी एम्बर खुद है। शांत हो जाओ, ऐसे एक्ट करो कि तुम्हें कुछ नहीं पता। हेलो क्या तुमने इसे कहीं देखा है? नहीं नहीं, एक बार फिर से देखो। बिल्कुल मुझे याद आया, शायद मैं आपकी मदद कर सकता हूँ। अंदर आओ। कितना अजीब है। ठीक है मैं अंदर आ जाती हूँ, मैं काटता नहीं हूँ। इसे अपना ही घर समझो, बैठो। कैंडल लाइट डिनर कितना प्यारा है, शायद तुम किसी का इंतजार कर रहे हो। मुझे चलना चाहिए।
नहीं प्लीज रुक जाओ। ठीक है मैं थोड़ी देर के लिए रुक जाती हूँ। खाना शुरू करो, ये सब तुम्हारे लिए है। मुझे भूख नहीं लगी है। तो तुमने आखिरी बार उसे कब देखा था? मुझे सोचने दो। गुड नाइट जान, स्वीट ड्रीम्स मेरी जान। कल हमें एक नए एडवेंचर पर जाना है, चलो सफर पर चले। तुम क्या कहते हो वेड? तुम कहाँ हो? तुम कहाँ चले गए वेड? मैं तभी से उसे ढूंढ रही हूँ, मुझे बहुत दुख हुआ। बदकिस्मती से वेड की आवाज़ कोई नहीं सुन पा रहा। सब कुछ ठीक हो जाएगा, चलो डेट पर चलते हैं। यहाँ कुछ तो गड़बड़ है, मुझे महसूस हो रहा है वेड यहीं कहीं है। थोड़ी चाय लोगी कुकीज के साथ? आउच, ये तुम्हारे लिए। सुनो तुम बहुत अजीब हरकतें कर रहे हो, ये लो मर्सी, इसे फ्रेंच आती है। कहाँ खो गए? क्या तुम ठीक हो? हाँ सब ठीक है, तुमसे बात करके अच्छा लगा पर अब मुझे जाना होगा। रुको अब क्या है, इन कैंडल्स को जलाने में मेरी मदद करो। ठीक है कोई बात नहीं, हो गया मेरी आइडल, मुझे यहाँ से चलना चाहिए। रुको तुम कहाँ जा रही हो? अह ये कितना अजीब एलिमेंट है, अब यहाँ से निकलना चाहिए जितनी जल्दी हो सके। तुम मुझे ऐसे छोड़कर नहीं जा सकती हो। ये क्या है? वाओ मुझे ड्रैगन्स बहुत पसंद है, वाटर एलिमेंट बहुत अच्छे होते हैं। हाँ बिल्कुल, इसके लिए ग्रैंडमा को शुक्रिया बोलकर आते हैं। तुम्हारी पसंदीदा चीज, हमें गिफ्ट्स पसंद आए मेरे प्यारे बच्चे। मुझे भी गले लगना है। इसके बदले मैं आपकी मदद कर देता हूँ। ओह कितना अच्छा बच्चा है, आप जरूर थक गई होंगी, ध्यान से यहाँ बैठ जाइए, मेरे पैरों में जान नहीं है। शुक्रिया। खाना शुरू करते हैं, फ्रेश वाटर ये लो। ग्रैंडमा आप बहुत अच्छी हो, शुरू करो मजे से खाओ। लगता है वेड हवा में खो गया है, शायद ट्रूम टीवी के पास कोई खबर हो, एक वेदर फोरकास्ट। नहीं ये रही न्यूज, क्लाउड को इंटरनेशनल वांटेड डिक्लेयर कर दिया गया है। ये क्रिमिनल एलिमेंट्स को किडनैप करके कपल्स को अलग कर देता है। ये चेहरा जाना पहचाना लगता है। मैं आ गया, मेरे पास मत आना, डरो मत, वहीं रुक जाओ वरना मैं चिल्लाऊंगी। ओह क्या सच में? शांत हो जाओ। रुक जाओ। वैसे मुझे हिप्नोटाइज करना भी आता है। एम्बर वेट को भूल जाओ। ये काम कर रहा है, मेरे पास आओ। ओ खैर हमारे डैड गुस्सा हो गए हैं, पर वो यहाँ से बाहर कैसे निकलेंगे? वो कहाँ जा रहा है? तुम अच्छा डांस करती हो, क्यों ना एक किस हो जाए? बिल्कुल मेरी जान, सब कुछ बहुत स्वादिष्ट है, मेरे पास और भी है, बस मुझे बोल देना और मैं ले आऊंगी। और वेड आ गया। हेलो बच्चों, डैडी आप वापस आ गए, हमें आपकी याद आ रही थी। मेरे बच्चों, ठीक है हम जा रहे हैं, ग्रैंडमा को अकेले मत छोड़ो। ठीक है हमारे साथ चलिए, उठने में मेरी मदद करो। क्या सब तैयार है? हाँ तैयार हो जाओ, मैं कोशिश कर रही हूँ, शायद मैं फटने वाली हूँ। ये काम कर गया। डैड ये आदमी कौन है? एक छोटी सी किस, वहाँ मत देखो, ईयू गंदे, मैं ये नहीं देख सकता। एम्बर उठ जाओ, ये वॉकिंग श्रब तुम्हारा पार्टनर नहीं है। क्लाउड ये लो, बस थोड़ा और, आउच ओह मैं जल रहा हूँ, मेरी मदद करो, अब तुम नहीं बचोगे। क्लाउड ये लो, आउच वेड मेरी फायर। वाओ यहाँ तो मेरा पूरा परिवार है, ज्यादा खुश मत हो। क्या तुम भाग रहे हो? इसे सबक सिखाओ। तुम जल रहे हो, मुझे मदद करने दो, ठंडा है इसे रोको, बस करो। ये क्या है? हैंडकफ्स, दोस्त अब तुम जेल जाओगे। अब हम इसके साथ क्या करें? मुझे नहीं पता, इसे मुझे दे दो।
ये इसका क्या करेंगी? ये आपका हुआ, चलो चले। मैं तुम्हें थोड़ी तमीज सिखाती हूँ। हम उसे दोबारा देखना नहीं चाहते हैं। गुड बाय, मुझे नींद आ रही है। मुझे भी। बेचारे थक गए हैं, सो जाओ। हाँ बिल्कुल, बिस्तर की तरफ भागो। स्वीट ड्रीम्स, ये बहुत प्यारे हैं। उम्मीद है आज रात हमें भी थोड़ा आराम मिलेगा। देखो मेरे पसंदीदा पजामास। मैं बहुत खुश हूँ कि तुम वापस आ गए। गुड नाइट। क्या हमारे बच्चे? जल्दी चलो बेड। हम तक गए, हमने ये क्या कर दिया? वो कैसी आवाज थी? ये क्या हो रहा है? हमसे गलती से हुआ है। वो कैसी आवाज थी? तुम्हें सजा मिलनी चाहिए। ब्रायन, अब तुम्हारा वाटर के साथ खेलना बंद। जल्दी से इन ग्लव्स को पहनो और तुम्हारे हाथों से पानी की एक बूंद तक नहीं आनी चाहिए, समझ गए? तुम स्पार्क, अब तुम भी अपने सुपर पावर्स का इस्तेमाल नहीं कर सकती। तुमने लगभग हमारा घर जला ही दिया था। हम कहाँ रहेंगे? हाँ, कोने में जाकर खड़ी हो जाओ। ठीक है मॉम, तुम भी कोने में खड़ी हो जाओ और ऐसा दोबारा मत करना। अब ठीक है, बच्चों को सजा मिल गई है। जब तक पेरेंट्स वापस नहीं आते इन्हें ऐसे ही रहना होगा। हनी प्लीज, कितनी प्यारी हो। फिर वो गए। देखो हे बर्डी, क्या यहाँ सिर्फ हम दो हैं? चलो यहाँ से चले मेरे साथ। तो फिर पैकिंग शुरू करो। उन्हें हमें ढूंढने दो, उन्हें चिंता करने दो। इतनी स्ट्रिक्ट सजा भी इन बदमाशों को नहीं रोक पाई। बच्चों ने अपना बैग पैक किया, अपने सारे टॉयज इकट्ठे किए। ऐसा लगता है ये बहुत लंबे सफर पर जा रहे हैं। मेरा सूटकेस पैक हो गया है, मेरा भी। चलो चले एक नए एडवेंचर पर। घर से भागने का ये कितना दिलचस्प तरीका है। वो क्लाउड्स बनकर चले गए। एम्बर उठ गई। हाँ क्या सुबह हो गई। वेट बेब, उठ जाओ। ये ऐसे नहीं उठेगा। मैं एक ग्लास ठंडे पानी से कोशिश करूंगी। तुम ऐसा कैसे कर लेते हो? वाटर का इस पर बिल्कुल असर ही नहीं हुआ। लेकिन एम्बर को एक सीक्रेट तरीका पता है। चलो उठ जाओ डार्लिंग। एम्बर, गुड मॉर्निंग मेरी स्पार्क। शायद मैंने कुछ ज्यादा ही सो लिया है। नया दिन नया स्टाइल। वेट, ये येलो शर्ट तुम्हारे बालों के साथ बहुत जच रहा है। क्या बात है, ये बेकार है। खैर मेरे पास भी तुम्हारे लिए कुछ है, शाइनी कपड़े। तुम कमाल की दिख रही हो स्वीटी। बच्चों का क्या? चलो अपने बदमाश बच्चों के पास चलें। ये उनके उठने का समय है। उम्मीद है अब उन्होंने कोई गड़बड़ ना करी हो। हमारे बच्चे कहाँ हैं? क्या ये कोई नया प्रैंक है? क्या वो हमारे साथ हाइड एंड सीक खेल रहे हैं? वेट, अब मुझे उनकी चिंता हो रही है। क्या उनके ग्लव्स फ्लोर पर पड़े हैं? फिर वो अभी तक सो रहे हैं। इन बदमाशों को जगाने का समय है। मैं सारा दिन नहीं सो सकती। चलो इन्हें जगाएं। एक दो तीन। बच्चे मजाक कर रहे होंगे, उन्होंने अपनी जगह इन पिलोज को रखा था। ब्रायन तुम कहाँ हो? वो गायब है। वो ऐसे गायब नहीं हो सकते। वो यहाँ कहीं नहीं है, उन्हें किसी ने चुरा लिया है। वो ऐसे भाग नहीं सकते। हमें अच्छे से ढूंढना होगा हर जगह। हमें उन्हें हर जगह ढूंढना होगा। खिड़की खुली हुई है, क्या वो यहाँ से गए हैं? वो कहाँ होंगे? मैं उनके बिना नहीं रह सकती। मेरे बच्चे, एक मिनट, हमें कुछ करना होगा। मेरा फायर फोन कहाँ है? मैं जर्नलिस्ट को कॉल करूंगी। एक सेकेंड, हमारे बच्चे गायब हैं। समझ गया, ध्यान दे, एक जरूरी मैसेज है। वाटर और फायर एलिमेंट्स के बच्चे गायब हैं। प्लीज मदद करें। वो पता नहीं कैसे होंगे। घबराना बंद करो, हमें खबर फैलानी होगी। हाँ हम कुछ भी करके उन्हें घर लेकर आएंगे। बिल्कुल समय नहीं है, हर एक मिनट जरूरी है। हम उन्हें ढूंढ कर ही रहेंगे। बच्चे सारे शहर में घूम रहे हैं, वो छुपने के लिए एक अच्छी जगह ढूंढ रहे हैं। ये तो इन्वेस्टिगेटर क्लाउड का ऑफिस है। वो एक नैप ले रही हैं। उसके सर पर भी हमारे जैसा क्लाउड है। चलो चले। हन कौन है? मेरा वहम था। कितनी आरामदायक जगह है, बच्चे यहाँ पर आराम से रह सकते हैं। वाह, पेरेंट्स लिली और ब्रायन को ढूंढ रहे हैं। एम्बर कहाँ चले? चलो इसे ट्राई करें, काश इन्हें कुछ पता हो। गुड डे, क्या आपने इन्हें? मैंने किसी को नहीं देखा है, ये गलत बात है। ठीक है फिर से कोशिश करते हैं। बेल बजाओ स्पार्क, हम इन बच्चों को ढूंढ रहे हैं। क्या आपने इन्हें देखा है? पैसे मांगना बंद करो बेगर्स। नहीं,
चलो और ढूंढे स्पार्क। देखो ये डिटेक्टिव का ऑफिस है, ये अच्छा मौका है। डिटेक्टिव गेल अभी भी सो रही हैं। बहुत देर हो चुकी है, रिंग बजाओ। डियर हम बहुत लकी हैं। ऑफिसर हमारे बच्चों को जरूर ढूंढ लेगी। लेकिन क्लाउड डिटेक्टिव तो अभी तक सो रही हैं। कितना अच्छा सपना है। काम के समय इन्होंने दरवाजा बंद क्यों कर रखा है? बस बहुत हुआ, ये खुला हुआ है। पहले तुम चलो, तुम कितने ताकतवर हो। हेलो, फिर से कोशिश करो। हेलो, क्या तुम सो रहे हो? कोई जवाब नहीं दिया। ओ, मेरे पास एक आइडिया है। उठने का समय हो गया है स्टॉर्म क्लाउड। कौन है? क्या? चलो अपने नए घर को सजाएं। आउच, आउच, वो क्या था? हमारी मदद करो, हमारे बच्चे गायब हैं। क्या बच्चे गायब हैं? क्या तुमने सुना? वो मॉम और डैड की आवाज है। ऐसा नहीं हो सकता, वो हमें ढूंढ रहे हैं। हमें कुछ करना होगा। इस कप को पकड़ो, हम इसकी मदद से सुनेंगे। अब हमें सब सुनाई दे रहा है। हमारी आखिरी उम्मीद आप ही हैं, ऑफिसर। छोटे बच्चों को अकेला नहीं छोड़ना चाहिए था। मैं इन्वेस्टिगेशन शुरू कर रही हूँ, मुझे क्राइम सीन पर ले चलो। ओह, वो हमें जल्दी ही ढूंढ लेंगे, हमारे पास बहुत कम समय है। आखिरी बार हमने उन्हें यहीं देखा था। ऑफिसर प्लीज कुछ करो। समझ गई, इन्वेस्टिगेशन के लिए मुझे अपने डिटेक्टिव ट्रैवल किट की जरूरत है। एक मिनट, टाइट पकड़े रहो। सबूतों के लिए हमें फिंगरप्रिंट्स को इकट्ठा करना होगा। ओह, वो हमें जल्दी ही ढूंढ लेंगे। आखिरी रात इस रूम में जो कुछ हुआ उससे कुछ जानने की कोशिश करते हैं। ठीक है, चलो इस रूम से ढूंढना शुरू करते हैं। ओह, मुझे कुछ निशान दिखाई दे रहे हैं। डिटेक्टिव गेल अपने काम में माहिर लगती है, वो बहुत सालों से ये काम कर रही है। अंदर मत आओ, हमें केस पर काम करने दो। ठीक है ऑफिसर, डिटेक्टिव गेल ने कमरे को सील कर दिया, तुम्हारा अंदर आना मना है। हम यही इंतजार करेंगे शांति से। गेल कमरे की तलाशी ले रही है और उसका हर कदम उसको इस केस के और पास ले जा रहा है। पहला सबूत ग्लव्स, यहाँ बहुत सारे सबूत हैं। मुझे हर चीज की फोटो लेनी होगी। हर फोटो के पीछे कहानी है। हाँ, जरूर खिड़की भी किसी काम के लिए खोली गई होगी, वहाँ बहुत सारे फिंगरप्रिंट्स होंगे। चलो देखते हैं। मैंने कुछ ऐसे ही सोचा था, तुम स्टॉर्म क्लाउड को बेवकूफ नहीं बना सकते, उनके पंजों के निशान। अब क्लाउड ऑफिसर सच में फिंगरप्रिंट्स इकट्ठा करने जा रही है। उसके लिए इन्हें पाउडर, एक ब्रश और टेप की जरूरत है। ध्यान से देखो बच्चों, अगली बार डिटेक्टिव खेलने में ये तुम्हारे काम आएगा। पुलिस एकेडमी में मैं सबसे अच्छी थी। अगर मेरे पास कोई केस है तो मैं उसे सॉल्व करके ही रहूंगी। मैं कुछ भूल रही हूँ, फोटोज को भी बचाना होगा। कुछ ऐसे ही कॉप्स भी मूवीज में करते हैं। सब कुछ सेफ रखना होगा। और अब आखिरी चीज, सर्वेलेंस। चोर चोरी वाली जगह दोबारा आना पसंद करते हैं। तो चलो देखें बच्चों को किसने चुराया है। इसे थोड़ा छिपा देते हैं। हाँ, ये बिल्कुल एक लाइट बल्ब जैसा दिख रहा है। बढ़िया, चलो देखें, ये काम तो कर रहा है। टिकाबू, अब हम इस रूम को देख पाएंगे। मुझसे कोई नहीं बच सकता। वो आ रही है। तो आप आ गई? बिल्कुल। हाँ, कमरे में मत जाना। शुक्रिया ऑफिसर, एक और कैमरा ठीक रहेगा। मैं तुम्हारे घर को अपने ऑफिस से देखती रहूंगी। समझ गए ऑफिसर, तुम अपनी जगह पर जाओ। चलो सो जाए ब्रो। फ्यू, वो बाल बाल बच गए। हमारे साथ बने रहे, हम इस केस के बहुत करीब हैं। हम उसका इंतजार करेंगे स्टॉर्म डिटेक्टिव। काश हमारे बच्चे जल्दी मिल जाएं। क्लाउड बच्चों के कमरे को ध्यान से देख रही है, उसकी नजरों से कोई नहीं बच सकता। ये केस बहुत थकावट भरा है। ये क्लाउड के सोने का समय है। ये वो सो गई। मुझे बहुत भूख लगी है। चलो अपना काम शुरू करें पार्टनर, हमें स्नैक चाहिए। पेरेंट्स के साथ जाना होगा। फ्यू, बढ़िया, पेरेंट्स सो रहे हैं। चलो देखें इन्होंने नाइट स्टैंड में क्या छिपा रखा है। अरे, आइस क्यूब्स का पूरा पैक, तुम्हारे फेवरेट।
और मैं लकी हूँ, मुझे मॉम का क्रिस्पी चारकोल मिल गया है। शुक्रिया मॉम। हमारे शैतान बिना किसी को दिखे अपने स्नैक ले गए। कितना भयानक सपना था। ओह, ये खाली है। हमारे स्नैक्स कहाँ गए? बज। मैं सो कैसे गई? थंडर और लाइटनिंग वो हमारे बहुत पास थे, लेकिन वो बच गए। बदमाश बच्चे। खैर, अब नहीं बचेंगे। नॉम नॉम, स्वादिष्ट स्मोकी फ्लेवर। हमारा आइडिया बहुत अच्छा था। नॉम नॉम। मुझे एम्बर और वेड को बताना होगा। ज्यादा इंतजार नहीं कर सकते। अगर कोई मेरे लिए आता है तो मैं एक नोट छोड़ देती हूँ। मैं तुम्हें कुछ दिखाना चाहती हूँ। हैरान होने के लिए तैयार हो जाओ। इसे देखकर तुम जरूर हैरान हो जाओगे। क्या? अपने आप को संभालो बच्चे। स्नैक्स? फ्यू, इसका मतलब वो ठीक है। चलो उनके लिए एक जाल बिछाएं। एक जाल? मैं उनका यहाँ इंतजार करूँगी और उनके आते ही पकड़ लूँगी। ठीक है बॉस, अच्छा प्लान है बॉस। ऑफिसर स्ट्रॉम का प्लान कभी फेल नहीं होता। यहाँ ठंड है। अच्छा है कि ब्लैंकेट यही है और एक सॉफ्ट पिलो भी। मुझे अपनी आंखें खुली रखनी होगी। क्या मुझे नॉक करना चाहिए? शायद नहीं। ओह, ये इतना मुश्किल क्यों हो रहा है? और मैं नहीं कर सकता। एक मिनट, मुझे खाली हाथ नहीं जाना चाहिए। गेल मेरे ऊपर हंसेगी। मेरे ऊपर एक सुंदर बुके उगाया है, ये ठीक रहेगा। ठीक है, बहुत हुई घबराहट। तुम कर सकते हो क्लॉड। ओह, ये ऑफिस तो खाली है। मेरी प्यारी क्लाउड यहाँ नहीं है। शायद वो कहीं और हो। मैं उसका यहाँ इंतजार करूँगा। उसका ऑफिस कितना प्यारा है। ये कैसा नोट है? वो एम्बर और वेड के घर गई है। समझ गया। मैं बहुत बोर हो रही हूँ। वीडियो गेम खेलने के बारे में क्या ख्याल है? मैं समझ गया तुम क्या सोच रही हो। बच्चों, तुम चलाक हो। ये कितनी गहरी नींद में है। ऑफिसर, हमें तुम्हारा लैपटॉप चाहिए। ये आसान था। अब हम खेल सकते हैं। गेल अभी भी गहरी नींद में है। उठना होगा। कंप्यूटर कहाँ गया? उसके बिना इन्वेस्टिगेशन मुश्किल है। क्या? तुम्हारा कंप्यूटर कहाँ गया? कौन सा कंप्यूटर?